कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हुकूमत ने दी बड़ी राहत अब हिजाब पहन कर देंगे इम्तिहान कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के लिए कांग्रेस हुकूमत ने बड़ी खुशखबरी दी है कर्नाटक हुकूमत ने फैसला किया है कि मुकाबला जाति इम्तिहान के दौरान तालिबात हिजाब पहन कर इम्तिहान दे सकेंगे हिजाब मामले पर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धा रामय और रियासत के वजी तालीम एम सी सुधाकर ने एक तजुर्बाती मीटिंग की थी मीटिंग में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि इम्तिहान के दौरान तालिबात को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाएगी हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हुकूमत में वजीर तालीम एम सी सुधाकर का कहना है की कुछ लोग हिजाब को लेकर तनाजा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग इम्तिहान में हिजाब पहन कर आने वाली तलबात पर एतराज ज़ाहिर करते हैं और माहौल को खराब करने के साथ साथ ही तजीब वाली हालात पैदा करना चाहते हैं वजीर तालीम ने मजीद कहा कि सभी लोगों की आज़ादी को तवज्जे में रख कर ही हुकूमत ने ये फैसला किया है नीट के इम्तिहान में भी तालिबात को हिजाब पहन कर बैठने की इजाज़त है कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन कर इम्तिहान दे सकता है उस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी वाजी कर्नाटक में हिजाब तनाजे ने दो हजार बाईस में खूब सुर्खियाँ हासिल की थी अडोपी जिला के पी यू सरकारी कॉलेज में इंतजामिया ने हिजाब पहन कर आने वाली तालिबात पर रोक लगा दी थी। उन्हें कॉलेज के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी उस पर बहुत हंगामा हुआ था और फिर कई कॉलेजों व सरकारी इम्तहान में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी गई थी कई कॉलेज के बाहर मुस्लिम तालिबात ने एहतजाती मुजाह किया था लेकिन कॉलेज इंतजामिया और रियासत के बीजेपी हुकूमत पर उसका कोई असर नहीं हुआ था कर्नाटक में असम्बली इंतजाम ऐसी कबल कांग्रेस लीडरान ने कहा था की हुकूमत में आने आरोप मुस्लिम तालिबात को

Neet exams have been allowed, uh, and people are allowed to wear uh, hijab. So the KE also there's nothing wrong. They're following what Neet guidelines is given, and these are all board exams. So I, I wish they go through the Neet guidelines. I wish they go through the Neet guidelines and then think of what they have to do.